Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, students? I hope you all are fine and safe. This is your teacher, Ms. Sidra Chand. So I teach you. Today is our English class. Let's start our class. Okay, last time मैंने आपको page number 50, unit number 5 हमारा start हुआ था, जो मैंने आपको पढ़ाया था. टॉम सॉर्टो, इसकी स्टोरी हमने हाफ रीड की थी. कुछ याद है आपको स्टोरी, क्या स्टोरी थी इसकी? एक बच्चा होता है टॉम सेयर, उसको स्कूल नहीं जाना होता है ना. वो फिर क्या बहाने करता है, उसका दांत तो हिल रहा होता है लेकिन उसके साथ साथ वो बहाना करता है, मेरे पाँव में भी बहुत दर्द है और ना इस मैं बहुत ज़ख्मी हूँ, बहुत तकलीफ़ में हूँ, मैं मरने वाला हूँ, इस तरह के बहाने बनाता है. अपने फ्रेंड को भी कहता है कि कौन होता है उसका फ्रेंड, सेड होता है उसका फ्रेंड, उसको भी कहता है कि जो है मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ जो भी बुरा काम किया है, यानी ब्लैकमेलिंग करता है. और सारे ये सारे सिचुएशन वो किस लिए क्रिएट करता है कि उसको स्कूल नहीं जाना होता है ना. फिर आंट पोली आती हैं, उनकी जिन आंटी के साथ वो रहते हैं, वो आंटी आती हैं, वो देखती हैं, वो चेक करती हैं, कहती हैं क्यों ऐसे कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई इतने से चोट से, इतनी से ज़ख्म से, इतनी सी तकलीफ से कोई मर थोड़ी जाता है. वो उसको समझाती हैं लेकिन फिर भी वो बहाने हैं कि नहीं नहीं. फिर वो क्या करती हैं आंट पोली, मैरी को भेजती हैं कि जाओ एक सिल्क का धागा लेकर आओ और एक कोयले का टुकड़ा लेकर आओ. अब आगे देखते हैं क्या है. ओके, पेज नंबर 51, यहाँ तक हमने रीड किया था, आगे रीड करते हैं. ओह प्लीज़ आंटी डोंट पुल इट आउट, यानी वो उसको कहती है ना कि मैं तुम्हारा दांत मतलब तोड़ दूँगी, ये हिल रहा है टूट जाएगा. और फिर वो इसी वजह से धागा भी मंगवाती हैं और एक कोयले का टुकड़ा भी मंगवाती हैं. इट डज़ नॉट हर्ट एनी मोर, प्लीज़ डोंट आंटी, आई डोंट वॉन्ट टू स्टे एट होम फ्रॉम स्कूल. यानी अब वो क्या कह रहा है टॉम जो है, वो कह रहा है आंटी से कि ऐसा मत करें, इसको मत तोड़ें, इसको मत खींचें, मेरे दांत को यानी कि इसको मत खींचें, मुझे और तकलीफ़ होगी, मैं और ज़ख्मी हो जाऊँगा, यानी इसको और ज़ख्मी मत करें, प्लीज़ डोंट आंटी. मना कर रहा है वो बार बार ना कि ऐसा मत करें. अब उसी सिचुएशन के दौरान उसके मुंह से वो बात निकल जाती है जिस वजह से वो ये सब कर रहा होता है. क्या बात निकलती है, कहता है आई डोंट वॉन्ट टू स्टे एट होम फ्रॉम स्कूल, यानी मैं घर में नहीं रहना चाहता, स्कूल से घर में नहीं रहना चाहता. वो यही कर रहा होता है ना, स्कूल ना जाने की वजह से वो ये सारे क्रिएशन करता है, सारी ये सब सिचुएशन को क्रिएट करता है. ठीक है, अब आगे क्या है, पेज नंबर 52. ओह सो दैट्स वाई यू आर मेकिंग सच अ नॉइज, यू थॉट यू हैड बी एबल टू स्टे एट होम फ्रॉम स्कूल, यू आर बैड बॉय. ओके, अब क्या आंट पोली समझ गई, वो जब कहता है कि मैं जो है स्कूल से घर नहीं रहना चाहता, तो आंट पोली कहती है अच्छा इस वजह से तुम ये सारी आवाज़ें निकाल रहे थे, यू थॉट यू हैड बी एबल टू स्टे एट होम फ्रॉम स्कूल, तुमने सोचा कि इस वजह से तुम घर में रह जाओगे, तुम बहुत गंदे बच्चे हो टॉम. अब आंट पोली ने उसको क्या किया, डांटा, तुम बहुत गंदे बच्चे हो, यू आर अ बैड बॉय. बाय दिस टाइम मैरी हैड रिटर्न, जब मैरी वापस आई, द ओल्ड लेडी टाइड वन एंड ऑफ द थ्रेड टू टॉम्स टूथ. अब आंट पोली ने क्या किया कि उन्होंने जो धागा मंगवाया था, उन्होंने उसका एक हिस्सा जो है टॉम के दांत पर बांधा. ये देखिए आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा होगा, एक सिरा जो है, यानी धागा जो मंगवाया था उसका एक सिरा, एक कॉर्नर जो है वो टॉम के दांत पर बांधा. और एंड द अदर एंड टू द बेड पोस्ट, और दूसरा सिरा जो है जिस बेड पर वो बैठा हुआ था उसकी जो कॉर्नर की लकड़ी होती है, यानी जो एक उसका पिलर होता है समझ लें, जो कॉर्नर होते हैं चारों, उसमें से एक कॉर्नर पर बांध दिया. She took the piece of hot coil and suddenly pushed it almost into the boy's face. अब उन्होंने क्या किया, वो जो इन्होंने कोयले का टुकड़ा भी मंगवाया था गरम गरम, उन्होंने पुश किया उसको, उसके दांत के पास लेके जाने लगी. चिमटे से पकड़ा हुआ था उन्होंने उसको और वो उसके दांत मुँह के पास उसके मुँह में डालने लगी थी, लेकर जा रही होती है. टॉम क्विकली पुल्ड बैक हिज हेड, उसने टॉम ने क्या किया, अपना मुँह पीछे की तरफ खींचा, यानी जैसे ही वो कोयला उसके पास लेके गई और अपना मुंह पीछे किया. एंड नाउ द टूथ वॉज आउट, अब क्या हुआ, उसका दांत जो हिल रहा था वो टूट गया, हैंगिंग ऑन द थ्रेड बाय द बेड पोस्ट, और वो उसमें लटकने लगा. जो उन्होंने एक सिरा बांधा था ना वो खींचा, दांत तो निकल गया, उसी दांत पे बांधा था जो दांत हिल रहा था,
दांत उसका टूट गया और वो उसके साथ उस धागे में लटक गया। ठीक है, ये थी स्टोरी छोटी सी। अब इस स्टोरी में क्या समझ में आया आप लोगों को कि आप भी स्कूल जाने के लिए बहाने बनाते हैं? हाँ, नहीं बनाते? नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, स्कूल क्यों आते हैं आप? स्कूल तो पढ़ने के लिए आते हैं ना, तो स्कूल आने के लिए बहाने नहीं बनाने चाहिए, खुशी खुशी आना चाहिए, क्योंकि स्कूल तो आपके फ़ायदे की चीज़ है। आपको यहाँ आपके नॉलेज, आप जब यहाँ आते हैं तो आपके नॉलेज में इजाफा होता है ना। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारी रीडिंग कंप्लीट होती है। अब इसकी थोड़ी सी हम बुक वर्किंग करेंगे। ओके, पेज नंबर 53 पर हमारे पास बुक वर्किंग है थोड़ी सी, इसको पहले फिल करते हैं। नंबर 1 पर तो क्वेश्चन है, उसको छोड़ दीजिए। नंबर 2 देखिए, व्हाई डिड टॉम स्टार्ट ग्रोनिंग? टॉम ने ग्रोनिंग क्यों स्टार्ट की थी? ऑप्शन ए, ही वॉज इन ग्रेट पेन, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में था। ही वॉन्टेड टू वैक सेट, बी ऑप्शन है कि वो चाहता था कि सेड उठ जाए। या ऑप्शन सी, ही वॉन्टेड समवन टू हेयर हिम, कि वो चाहता था कि कोई उसको सुने। तो क्या करेक्ट ऑप्शन है? वो यही चाहता था ना कि कोई ना कोई उसको सुने, तो सी ऑप्शन पर टिक कीजिए। ठीक है, सी ऑप्शन पर हमने टिक कर लिया। अब नंबर 3 देखते हैं, वाई डिड टॉम से, टॉम ने क्यों कहा, क्या कहा टॉम ने? इट विल ऑल बी ओवर सून, ये जुमला जो उसने कहा था, तो इस जुमले का क्या मतलब था कि मैं बहुत जल्द मरने वाला हूँ। टॉम ने ये जुमला कहा था ना, इट विल ऑल बी ओवर सून, तो यहाँ ये राइटर हमसे पूछ रहे हैं कि टॉम ने ऐसा क्यों कहा था। ऑप्शन ए, ही वॉज श्योर दैट, सॉरी, ही वॉज श्योर ही वॉज गोइंग टू डाई वेरी सून, यानी उसको यकीन था कि वो बहुत जल्दी मरने वाला है। बी ऑप्शन, ही वॉज श्योर द पेन वुड गो अवे सून। ऑप्शन बी, यानी उसको यकीन था कि उसकी तकलीफ जो है बहुत जल्दी चली जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। ऑप्शन सी, ही वॉन्टेड एवरीबडी टू फील सॉरी फॉर हिम। ऑप्शन सी है कि वो चाहता था कि हर कोई उसका उसको वो जो सॉरी कर रहा था उसको सॉरी फील करे। ठीक है, हर कोई यानी उसको माफ़ कर दे, तो यही था ना कि हर कोई उसको माफ़ कर दे, वो इसी वजह से कह रहा होता है मैं मरने वाला हूँ, मैंने तुम्हारे साथ कोई गलत किया है तो मुझे माफ़। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी पर टिक कीजिए। ओके, नंबर 4, आंट पोली वॉज नॉट वरीड व्हेन सेड टोल्ड हर अबाउट टॉम, ट्रू या फॉल्स? यानी आंट पॉली जो है परेशान नहीं हुई थी जब जो सिड ने जो है टॉम के बारे में उन्हें बताया था? बताएं, परेशान हुई थी या नहीं हुई थी? हो गई थी ना थोड़ी देर के लिए तो परेशान, तो इट मींस ये फॉल्स लिखा हुआ है कि इधर लिखा है ना वाज नॉट वरीड, यानी वो परेशान नहीं हुई थी, तो ये फॉल्स है, फॉल्स पे टिक कीजिए। ओके क्लास, पेज नंबर 53 में हमारे पास 3 चीज़ें थी, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ठीक है, नंबर 5 पे भी क्वेश्चन है, इसको छोड़ दीजिए। नंबर 6 पर भी क्वेश्चन है, इसको भी छोड़ दीजिए। नंबर 7 पे भी क्वेश्चन है, इसको भी छोड़ दीजिए। ठीक है, यानी 53 में बस आपको यही टिक करना है और यहाँ टिक करना है। अब आ जाए पेज नंबर 54 पर। ओके, पेज नंबर 54 हमने ओपन कर लिया है। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 रीड करते हैं। लुक एट द फिगर ब्लो, राइट द नेम्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ द लेग एंड फुट, यूज द वर्ड्स प्रोवाइडेड इन द बॉक्स। यानी इन्होंने आपको बॉक्स के अंदर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इन वर्ड्स की मदद से आपने इनको फिल करना है, यानी आपने पार्ट्स के नेम इन्होंने एरो खुद बना कर दिए हुए हैं, उसको जज करना है कि कौन से पार्ट का क्या नाम है, और फिर आपने करेक्ट वर्ड यहाँ से उठाकर सही ब्लैंक्स पर लिखना है। ठीक है, चलो आइए मैं आपको करवाती हूँ, आप भी मेरे साथ साथ नीट एंड क्लीन रैंक करेंगे। ठीक है, चलो नंबर 1 देखिए, ए देखिए, ये जो इस पार्ट को है पाँव का हिस्सा, ये जो है इसको हम क्या कहते हैं? थाई कहते हैं, थाई राइट करेंगे हम। ठीक है, इस पार्ट को क्या कहते हैं? थाई। थाई की स्पेलिंग देखें, THIGH। ठीक है, थाई यहाँ हमारे पास गिवन था। अब बी देखिए, ये जो पाँव का हमारा ये वाला हिस्सा होता है घुटने से नीचे बैक पर, इसको हम क्या कहते हैं? काल्फ कहते हैं, राइट। ठीक है, काल्फ राइट कर दिया है मैंने, CALF, काल्फ। इस पार्ट को कहते हैं, इस पार्ट को क्या कहते हैं? थाई। इस पार्ट को क्या कहते हैं? काल्फ। अब नेक्स्ट सी है हमारे पास, ये वाला हिस्सा पाँव के बिल्कुल पंजा जो हमारा होता है उसके बिल्कुल पीछे का कॉर्नर का हिस्सा, उसको क्या कहते हैं? हील। क्या कहते हैं? हील, HEEL, हील। राइट कीजिए।
बिल्कुल ब्यूटीफुल राइटिंग में। उसके बाद डी देखें, जो नीचे तलवे का हिस्सा होता है पाँव के, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सोल। क्या कहते हैं? सोल। राइट कीजिए मैम के साथ, SOLE, सोल।